कर रहे हो? जय श्री राम, हर हर महादेव देशभक्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं आपका भाई वीरू आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी देशभक्तों से एक छोटा सा निवेदन है। भाइयों, आपके चैनल की रीच बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। भाइयों, वीडियो को पूरा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम सबका संदेश सभी तक जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देशभक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो, लिब्रांडो की जलाने, आपको हंसाने और जगाने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास वेद कितने हैं? 4। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन कौन सा वेद क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है ज्ञान के बारे में, यजुर्वेद कहता है कर्मकांड के बारे में, सामवेद कहता है उपासना के बारे में और अथर्ववेद कहता है विज्ञान के बारे में। ये सारे वेद देवों की भाषा है जिसके आगे आपका विज्ञान भी बुरी तरह फेल हो जाता है। इसका जवाब तो आपको खुद ही मिल जाता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है और हमारी जो हमारे जो 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 इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस हैं उनके बारे में नहीं जानते आजकल के बच्चे। आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए, आप अपने पड़ोस में पूछ लीजिए, उनको क्या पता होगा, मुझे बताइए। उनको ज़्यादा पता होगा कि अमेरिकन हिस्ट्री क्या है या ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है या जर्मन हिस्ट्री क्या है। हमारी हिस्ट्री बहुत कम है। मौजूदा सरकार भी यही कहती है कि हमारे इतिहास को ठीक से नहीं लिखा गया है। आप सहमत हैं उनकी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दोबारा से इतिहास को लिखे जाने की जरूरत है? एटलीस्ट कुछ चीज से इतिहास को लिखने की जरूरत नहीं। जो है इतिहास वो तो बता दो। आई एम नॉट सेइंग रीराइट हिस्ट्री, आई एम सेइंग जस्ट गिव द हिस्ट्री व्हिच इज देयर। कंट्रोल किया गया तो वो तो अच्छा लगा। राशन मिला? राशन तो मिला। फ्री मिला कि पैसे देना पड़ा? नहीं, अभी तो फ्री है। ये काम कैसा लग रहा है सरकार? अब अच्छा लग रहा है, दे रहा तो लिया जा रहा है, पब्लिक ले रही है, और नहीं देता तो पैसे से लिया जाता है, क्योंकि आगे पैसे से देता था, अभी ये लॉकडाउन से जो है पैसे से फ्री मिल रहा है बस। और क्या, और कौन से ज्यादा अच्छी मदद हुई है? दो बच्चों के कानून पर सरकार विचार कर रही है, आपको लगता है कि दो बच्चे ही सबसे अच्छे? भाई हमें तो दो बच्चे नहीं अच्छे, हमें तो भैया पूरा परिवार अच्छा है। हमें दो बच्चे क्या फायदा? पूरे परिवार में कितने होने चाहिए बच्चे? जितने हो जाएं, 12 हो जाएं, 10 हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं। भाई एक दो बच्चे में क्या होता, खाया पकाया छुपे पड़े ना। महंगाई बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। वो नसीब देता है खाने को, खुद ही कमाएंगे खुद ही खाएंगे। हमें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या अच्छा नहीं लगा? वो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाला जो उनका रवैया है वो हमें नहीं अच्छा लगता। आपको लगता है कि सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? जी बिल्कुल। जब राशन सरकार बांटती है तो क्या वो नाम पूछकर राशन की दुकान पे मिलता है? बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो जिसमें हिंदू मुस्लिम तो किया ही जाता है। जैसे कि क्या आपको लगा हिंदू मुस्लिम जो कर रही थी? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। कोई एक दो मुद्दे बता दीजिए। सरकार ने आवास योजना चलाई, आवास दिए, सरकार कह रही हमने लाखों लोगों को आवास दिए, तो क्या उसमें भी नाम पूछकर आवास आवंटन किए गए? राशन दिया फ्री इस कोरोना काल के अंदर, दो दो बार राशन महीने में फ्री मिल रहा है, क्या उसमें भी राशन की दुकान पर जो राशन डीलर है वो नाम पूछकर देता है ऐसा कुछ? मतलब मैं ये जस्ट जानना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए पूरा देश देख रहा है इस चैनल को ना, क्या ऐसा है कि कोई राशन डीलर आपका नाम पूछता है कि आपका नाम रहीम है, विनोद है या? जी आप आगे जाइए, इस टॉपिक पे हम नहीं बात करेंगे। थोड़ा जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं कि लैपटॉप धार्मिक तौर पे बांटे जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, पूछ के बांटे जा रहे हैं कि आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, दोबारा मतलब जब भी आप कहीं भी जाके पूछें, लोगों से बात करें, ऐसा इसका कोई प्रूफ नहीं है? ये तो एक कम्युनलाइज किया जा रहा है। हमने कम्युनलाइज कुछ नहीं किया। 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा की थी कि हम कन्या विद्याधन देंगे बालिकाओं को,
चुनाव के बाद उन्होंने जब कन्या विद्याधन देने की बात आई तो उन्होंने कहा केवल मुस्लिम कन्याओं को देंगे, हिंदू कन्याओं को नहीं देंगे। मतलब मुद्दा सबसे बड़ा हिंदुत्व है। हाँ, हिंदुत्व है, जो कि औरंगजेब ने ये सारी मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाए दी, तोड़ गए, और आज हमारे ये सभी मथुरा अयोध्या और ये सभी जगह मंदिर अपने बनाए जा रहे हैं। मथुरा में कहाँ अभी कुछ हो रहा है? हो रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि पे, वहाँ पे 10 किलोमीटर के दायरे में मीठ भी सब बंद करवा दी मोदी जी ने। अच्छा, जो अभी पिछले हफ्ते फैसला हुआ, है तो मान लो वहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में बंद कर दिया कि शराब और मीट मछली नहीं बिकेगी, और अयोध्या की मंदिर की बात करूँ, उससे आपके गांव में क्या बदला है, जरा ये बताओ। बदला ये जितनी भी आवाज वहाँ से आती है योगी जी की और अयोध्या से, सब उसी के आधार पर हम चल रहे हैं उनके पैरों पर। बड़ा दिलचस्प है, इन सब के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुत्व और बीजेपी, हिंदुत्व और बीजेपी, चाहे कुछ भी होता जाए। हाँ, कुछ भी होता जाए। हाँ जी, चाहे तेल हो जाए 400 रूपए, भूखा मरना मंजूर है, फिर भी हम बीजेपी के वोटर हैं। जरा नजदीक आया जाए, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं, जरा सुने लोग समझे तो कि बीजेपी के वोटर कैसे होते हैं। ऐसा चाहे भूखा मंजूर है और फिर वोट बीजेपी को ही देना है, भूखा मरना। व्यवस्था कुछ कहती है, इस दोनों के तकरार के बीच में हम वो नहीं सोच पाते कि हमको करना क्या है, शुरुआत कहां से करनी है। हम विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं, वीर सावरकर के बारे में बात करते हैं, हम और तमाम जितने भी आप नाम ले लें, लेकिन एक छोटी सी मैं बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि सभागार में ज्यादातर मुझे लगता है 18 से 20-25 उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं। एक बात आप याद कर लीजिए और ये मान लीजिए कि इसको कतई दिमाग से निकाल दें कि जब तक बहुत बड़ा संगठन नहीं होगा, बहुत पैसा नहीं होगा, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। 2 साल पहले इस देश के कुछ लोगों को लगा कि सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को जिस तरीके से दबाया गया है, सुभाष चंद्र बोस को जिस तरीके से जमीन में जिंदा दफन किया गया है, उन्होंने तय किया कि हम इस पूरे इतिहास को बाहर लाएंगे, इस इतिहास के बारे में युवाओं को बताएंगे, देश को बताएंगे, सरकारों को बताएंगे। लेकिन 2 साल के अंदर उसमें थोड़ी सी मेरी भूमिका इतनी है कि मैं भी उनसे एसोसिएटेड हूं। 2 साल में आपने सुभाष चंद्र कौन थे, उनके साथ क्या किया गया, उनके इतिहास को कैसे दबाया गया, कैसे आज भी आजाद भारत के सरकार के डॉक्यूमेंट में उनका नाम लिखा जाता है, सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल, ये आज भी था आपके देश में। तो चंद लोगों ने जब तय किया तो सुभाष चंद्र बोस के उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने बाहर निकलवाया, भारत की वर्तमान सत्ता के पास भी हम उसी तरह गए जैसे पहले जाते थे, और हमने तमाम तथ्य रखे और कहा कि जो यूनाइटेड भारत था, यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो पहली आजादी की घोषणा की थी 21 अक्टूबर को, उस वक्त जब आजाद की घोषणा की थी भारत को, तो दुनिया के 12 देशों में उस वक्त का यूएसएसआर, उसने भी आपको मान्यता दी थी। क्या वजह हुई कि वो सुभाष चंद्र बोस, जिसने वो पहले प्रधानमंत्री यूनाइटेड भारत के थे, आजादी की घोषणा भी की, दुनिया के 12 देशों ने आपको रिकॉग्नाइज भी किया, मान्यता भी दी, उसी सुभाष चंद्र बोस को 1943 और 1947 के बीच में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको किस तरीके से यहां से बाहर जाना पड़ा, कैसे हालात पैदा किए, और कैसे इतिहास ने कैलिब्रेटेड अंदाज में उनको इस देश के अंदर एक उग्रवादी, एक आतंकवादी, एक भारत सरकार जो उस वक्त अंग्रेजों की थी उसके खिलाफ युद्धबंदी घोषित किया। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि यकायक हो गया हो, ये अलग बात है कि वो लोग सत्ता पे लंबे समय तक रहे, लेकिन सत्ता में जो लोग थे वो ठीक है, लेकिन समाज की पिछले 70 साल से चुप्पी, समाज का न बोलना, समाज का इन चीजों पर प्रश्न करने के कारण आज हमारे सामने जो हमारे हीरोज हैं उनको विलियन करके पेश किया गया। मात्र 2 साल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी बात को माना, और पहली बार आजाद भारत में भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे 15 अगस्त के बाद 21 अक्टूबर को गया और उसने झंडा फहराया, और वो सिर्फ लाल किले पे नहीं गए, फिर वो अंडमान निकोबार भी गए, जिस द्वीप पे वो आए थे पहली बार उसका नाम भी बदला, और लाल किले के अंदर सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम भी बनाया, और वो म्यूजियम जब भी आप दिल्ली जाएं तो कुतुब मीनार तो देखने जाते हैं आप लोग, लाल किला जब देखने जाएं तो उसको देख के आइएगा, उसमें वो दुर्लभ चीजें हैं जिसे कोई दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता, उसको देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री क्यों था।
और क्यों उस वक्त की सत्ताओं ने इनको दबाया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए राम राम, हर हर महादेव। Swing the line and swing the Shiva Shambho all the way. Om Namah Shiva Jai Jai.